बॉलीवुड में शुरुआत से ही हॉलीवुड के कई स्टार्स नजर आते रहे हैं, वहीं बॉलीवुड स्टार्स भी हॉलीवुड फिल्मों में अपना नाम कमा रहे हैं। इनमें इरफान खान, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण मुख्य नाम हैं। लेकिन हम बात करेंगे उन हॉलीवुड स्टार्स की जो बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद दोबारा दिखाई नहीं दिए। मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मोरी को फिल्म काइट्स में ऋतिक रोशन के साथ देखा गया था। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी और इसके बाद बारबरा फिर कभी बॉलीवुड में दिखाई नहीं दी। सुपरहिट फिल्म लगान में नेगेटिव किरदार में नजर आए हॉलीवुड एक्टर पॉल ब्लेक थॉर्न को इस फिल्म के बाद दोबारा बॉलीवुड में नहीं देखा गया। खूबसूरत एक्ट्रेस डिनीस रिचर्ड अक्षय कुमार के साथ फिल्म कमबख्त इश्क में नजर आई थी, इसके बाद वो फिर किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं दिखी। आमिर खान की फिल्म मंगल पांडे में हॉलीवुड एक्टर टोबी स्टीफन्स नेगेटिव किरदार में दिखे थे, बाद में वो एक हॉलीवुड फिल्म जेम्स बॉन्ड डाई अनदर डे में भी नजर आए थे। एक बार फिर आमिर खान की फिल्म में कोई फिरंगी किरदार नजर आया। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस एलिस पेटन की, जो फिल्म रंग दे बसंती में आमिर संग नजर आई थी, इसके बाद वो किसी और बॉलीवुड फिल्म में दोबारा नहीं दिखी। अक्षय कुमार की फिल्म चांदनी चौक टू चाइना में नजर आए चाइनीज एक्टर चिया हुई लुई फिर कभी किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं दिखे। एक्ट्रेस सारा थॉमसन काने फिल्म राजनीति में नजर आई थी, इसके बाद उन्हें फिर किसी बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला। फिल्म नमस्ते लंदन में नजर आए एक्टर क्लाइव स्टेनडे ने फिल्म में कैटरीना कैफ के मंगेतर का किरदार निभाया था। ये उनकी पहली और आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी। एक्ट्रेस रोशेल शेली फिल्म लगान में आमिर खान की बड़ी दीवानी थी, लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद भी रोशेल फिर कभी बॉलीवुड में नहीं दिखी। आखिर में बात करेंगे जानी मानी एक्ट्रेस रेबेका ब्रीट्स की, जो फरहान अख्तर की सुपरहिट फिल्म भाग मिल्खा भाग में नजर आई थी, इसके बाद उन्हें भी बॉलीवुड में फिर कभी नहीं देखा गया। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।